सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो वहां तक जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है जब पैरों में कुछ निशान रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस मोटिवेशनल चैनल में। मैं सौरभ शुक्ला आपको देता हूं हर दिन मोटिवेशनल वीडियो। आज मैं जो बात करने के लिए आया हूं वो बात है सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में। जिंदगी के अंदर कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है, सपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो सपने ही होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं वो बनने में जो आप अपनी जिंदगी में बनना चाहते हो। इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता हूं किसी को जो अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज करना चाहता है। लेकिन आज मैं सपनों की डिफिनेशन बताना चाहता हूं। यकीनन दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो हमें सोने के बाद आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो जब तक पूरे ना हो जाए हमें सोने नहीं देते हैं, जो बेचैनी ला दे जीवन के अंदर, वो सपने हैं। ऐसे सपने जिनके साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, ऐसे सपने जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हो। एक बात मैं जानता हूं दोस्तों, यदि आप अपने जीवन के अंदर सपने नहीं देख रहे हैं, ड्रीम्स नहीं है आपके पास, तो यकीन मानिए आप जिंदगी के मैच को ठीक फुटबॉल के उस मैच की तरह खेल रहे हैं, जिस तरह फुटबॉल के मैच से दोनों गोल पोस्ट हटा दिए जाएं तो उसका नतीजा नहीं निकलता है, उसी तरह एक इंसान के जीवन में यदि सपने नहीं हैं तो इस दुनिया में आया क्यों है, भेजा क्यों गया है, इसका कभी नतीजा ही नहीं निकलता। जिंदगी के अंदर सपना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, जो सपने देखते हैं, जो लोग सपनों के प्रति गंभीर होते हैं, ये बहुत बहादुरी के साथ, बहुत उत्साह के साथ अपने सपनों को फॉलो करते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते रहते हैं कि हो जाएगा, अपने आप कुछ चमत्कार होने वाला है या अचानक से दुनिया बदल जाने वाली है, जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक सफलता हाथ नहीं मिलेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, जो लोग सपने नहीं देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन यकीन मानिए ऐसे लोग जो सपने देखने में घबराते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर का विश्वास मर चुका है कि वो जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जो लोग अपने आप को कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार, जो ये ऐसी बातें करते हैं, सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं बची जो तुम्हें बड़े कारनामे करवा सके। माय डियर फ्रेंड, आप अपने आप को जिंदा साबित करना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि दुनिया आपको रिमार्केबल इंसान की तरह जाने, तो एक बड़ा सपना बनाइए और पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरे उत्साह के साथ लग जाइए उस सपने को सच करने में। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, क्या आप सफलता पाना चाहते हैं, लाइफ का आपके गोल क्या है, तो आप में से कई लोग बोलेंगे सफल होना चाहते हैं। अरे सफल तो सबको ही होना चाहते हैं, लेकिन आपके जो ड्रीम्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। देखिए, मैं आपको ड्रीम्स पे ये बात क्यों जोर दे रहा हूं, जब इस दुनिया में आ ही गए हो, गलती से आ गए या खुशी से आ गए, जैसे भी आ गए, जब आपको ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने जब यहाँ पे भेज दिया है, तो क्यों ना अपना 100% दिया जाए। कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है 84 लाख योनियों को पार करने के बाद एक मनुष्य का जीवन मिलता है, यदि इस जीवन को भी हम सार्थक ना बना पाए तो फिर मतलब ही क्या रह जाता है। इसलिए जीवन के अंदर स्पेसिफिक ड्रीम्स लाइए, रियलिस्टिक ड्रीम लाइए। आप ये सोचिए कि आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज समझिए, हैप्पीनेस जो है वो एक जर्नी है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। आप जर्नी को तभी तो एंजॉय कर पाएंगे जब आपके पास ड्रीम्स होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सोचने से कि मैं सोचता हूं कि यार ये हो जाएगा और मैं घर में बैठा रहूं मुझे चीजें मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास नहीं है। यस, डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि जब आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और आपके साथ सफलता आती है, लेकिन इसका मतलब ये
थोड़ी ना है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स को सही तरीके से जानना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या आप खुद सोचिए, क्या आपके पास इतने पर्याप्त ड्रीम्स हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए? क्या आपके पास ऐसे सपने हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देते हैं? क्या ऐसे सपने हैं जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आप मन ही मन बहुत खुश हो जाते हो? क्या आपको ऐसा कोई सपना है जो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा पकड़ के रखता है और आपको डाइवर्ट नहीं होने देता है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता है? क्या ऐसा कोई सपना है? नहीं है तो इसे अभी बनाइए। यदि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप सपनों से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन के बड़े सपने नहीं है, क्योंकि यदि आपके पास बड़े सपने होंगे, ये सपने आपको रीजन देंगे बड़ा काम करने के लिए, आपको फोकस बनाएंगे। अधिकतर लोगों के ड्रीम्स मर क्यों जाते हैं? लोग काम करना क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि उनमें से अधिकतर लोग दूसरों के सपनों को जी रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स के सपनों को, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते थे, या हो सकता है कि आप मजबूरी में अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अपना सपना आपने डिसाइड करके रखा है कि मुझे बड़ी सी कार चाहिए, मुझे ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज चाहिए, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपके मन को यह नहीं चाहिए, आपके मन का जो भाव है किसी और चीज में, आप हो सकता है कहीं से और किसी और चीज से आप ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। किसी दिन एक दिन अपने घर में बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए और सोचिए कि आप अपनी जिंदगी को कहां ले जाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी से पाना क्या चाहते हैं। जिस दिन आपको यह पता चल गया कि मेरी असली खुशी इसमें है और आप उस खुशी के लिए काम करना शुरू कर देंगे, उसे आप अपना सपना बना लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक दे। जब आपके सपनों का और आपका इमोशनल मिलन हो जाता है, तब कामयाबी पक्की हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, अपनी जिंदगी के अंदर एक बड़ा सपना बनाइए और उसको अचीव करने के लिए काम करिए, क्योंकि सक्सेस तो सिर्फ आपका इंतजार कर रही है। यदि ये बात पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सौरभ शुक्ला साइनिंग।